Hi friends, today new recipe kumbhra with coconut dry सब्जी। तो हम पहले 2 किलो के आसपास कुमड़ा ले लिया है। कुमड़ा थोड़ा दे अच्छे से फ्रेश वाला लेना है। तो कुमड़ा लेने के बाद तो उसको कटिंग कर लिया छोटा छोटा क्यूब साइज का। तो मैं 2 किलो का क्वांटिटी बना रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। तो कुमड़ा कटिंग करने के बाद हम अभी नारियल ग्रेट कर लेंगे। तो 2 किलो कुमड़ा के लिए 1 पीस मीडियम साइज नारियल ले लिया है। तो नारियल लेने के बाद उसको तोड़ना है और तोड़ने के बाद उसको ग्रेट करना है। तो ग्रेटर से छोटा ग्रेट नहीं करना, थोड़ा हल्का बड़ा साइज का ग्रेटर साइज से ग्रेट करना है। तो हम ये कोकोनट ऑयल से बना रहे हैं, आप लोग रिफाइंड ऑयल से भी बना सकते हैं। तो कोकोनट ऑयल टेस्ट अच्छा होगा रिफाइंड ऑयल से। कोकोनट ऑयल ले लिया, इसमें पहले फर्स्ट डाल दिया राई, काला राई। काला राई डालने के बाद ग्रीन चिली डाला, ग्रीन चिली डालने के बाद इसमें डाला अदरक। तो इसमें हल्का सा फ्राई कर लेना, हल्का सा जब फ्राई हो जाएगा तो फ्राई होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, कटा हुआ छोटा छोटा बारीक प्याज और टमाटर। ज़्यादा एकदम डीप फ्राई नहीं करना, इसमें हल्का सा लाइट फ्राई करना है। तो उसमें अभी डालेंगे हम ग्रीन चिली। ग्रीन चिली अभी डाल रहे हैं इसलिए, बाद में डाल सकते थे, तो अभी डालेंगे तो उसमें सब्जी के में जो हल्का सा तीखा है वो हल्का सा कम हो जाता है। ग्रीन चिली फ्राई करने के बाद कम हो जाता है। तो अभी डाल दिया मैं करी लीव्स, करी पत्ते थोड़ा सा डाल दिया है। तो सब मिला के अच्छे से फ्राई कर लेंगे मीडियम, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे। अब लास्ट में डालेंगे हल्का सा टमाटर। टमाटर देख के डालिएगा, ज़्यादा खट्टापन चाहिए तो, मतलब हल्का सा खट्टा चाहिए तो ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं। तो टेस्ट टमाटर 150 ग्राम के आते हैं। चलिए कुमड़ा कटा हुआ कुमड़ा डाल दिया, उसके ऊपर डाल दिया सॉल्ट। सॉल्ट स्वाद अनुसार डालना है। तो हम डाल दिए, मिक्स करेंगे सॉल्ट और हल्दी पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम ढक्कन लगा देंगे और ऐसे चलाते रहेंगे ढक्कन लगा। तो मैं इसमें पानी में यूज़ नहीं कर रहा हूँ, पानी यूज़ नहीं कर रहा। पानी यूज़ करने से कुमड़ा थोड़ा सॉफ्ट वाला सब्जी है वो गल जाएगा। इसमें पानी में ऐड यूज़ नहीं कर रहा। तो कुमड़ा में जो पानी है सॉल्ट डालने के बाद बन जाता है। तो उसको हम 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। फिर उसके बाद चला देखिए, गैस का भी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हाई मत रखिएगा, लो से मीडियम रखिएगा, उसमें बेटर रहेगा, गैस पक जाएगा कढ़ाई डाल देना नीचे। फिर से और 4 मिनट के लिए ढक्कन लगा दिया, ऐसा धीरे धीरे 10 से टोटल बनाने में 15 से 20 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी कुमड़ा पूरा मतलब पूरा सॉफ्ट हो गया है, एकदम पूरा पक चुका है। तो हम अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चीनी। चीनी इसलिए डाल रहे हैं कुमड़ा में, अभी जो कुमड़ा से बना रहा हूँ तो थोड़ा मीठा नहीं आता। तो ये सब्ज़ी हल्का सा मीठा रहेगा तो टेस्ट बढ़िया रहेगा। इसमें वो ग्रेट किया और कोकोनट में डाल रहा हूँ, अभी लास्ट में डाल रहा हूँ, फर्स्ट में नहीं डालना है तो कोकोनट जल जाएगा, टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो लास्ट में डाल रहा हूँ कोकोनट का जो फ्लेवर है, तो लास्ट में डालने से वो बेटर रहेगा। इसे डाल कोकोनट डालने के बाद और आराम से मिक्स करना है। और कुमड़ा पक जाने के बाद ही कोकोनट डालना है, कुमड़ा पक जाएगा उसके बाद ही कोकोनट डालना है। तो उसका जो टेस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो अब अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करने के बाद ढक्कन लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है, मिक्स कर लेना है अच्छे से। मिक्स करने के बाद अभी ऊपर से हम ये डालेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे। तो ये अभी हो गया रेडी, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।